maybe noise. Anyway, so good morning to all of you. Welcome to our channel, Expert Corner. So today we'll start with the number system, first chapter of math, number system. हमें सभी को पता होगा कि क्या होते हैं नंबर. वी ऑल अवेयर विद दी नंबर. जनरली देयर इज वन चार्ट कि हम नंबर्स को जो डिवाइड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं. मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताता हूँ नंबर को डिवाइड करने का. जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं. नंबर दो टाइप के होते हैं. एक होता है ना द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर इज फ्रॉम रियल और फिर दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स. सबसे पहला नंबर होता है रियल नंबर और फिर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो मैं चार्ट बता रहा हूँ इट इज गोइंग टू कवर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर. रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है. आप सोच रहे होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स तो कभी सुने ही नहीं हमने. रियल सुना है, नेचुरल सुना है, होल नंबर सुना है. भले इसे नाइन्थ में रिपीटेशन हो रहा है बट ये आपने नाइन्थ में आ गए हैं. अब आप रियल नंबर तो सुना हुआ है. अब इनके हम और क्लासिफाई भी करेंगे नंबर्स को. ठीक है. हर एक नंबर दो टाइप का होता है. या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो निगेटिव हो सकता है. एक और चीज होती है तो इसके हम सारे पॉजिटिव पार्ट देखेंगे. इसके नेगेटिव पार्ट ऑलरेडी जैसे पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर. ठीक है. तो जैसे नंबर सिस्टम का क्लासीफाई करना जनरली बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ क्लासीफाई ऐसा करते हैं, कुछ क्लासीफाई ऐसा करते हैं. बाकी सारे क्या है सही है. दे आर ऑल करेक्ट. तो जनरली जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ये सब क्या रहेंगे. रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. इट मेरी यूर पॉजिटिव और इट मेरी निगेटिव. कॉम्प्लेक्स की बात मैं बताता हूँ. पहले मैं कॉम्प्लेक्स बताऊंगा आपको. इवन दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल मैं आपको कॉम्प्लेक्स भी बताऊंगा. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. ठीक है. तो मैं बता दूँ सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं. आई कम टू दैट स्लाइड. कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कभी सुना नहीं होगा. इफ आई आस्क यू फाइंड आउट द रूट ऑफ 25 विल यू द आंसर. इट्स वेरी इजी. यू विल गेट द आंसर. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द आंसर ऑफ 100. वेरी इजी फॉर यू. यू नंबर 10. अब एक मुसीबत आ गई कि अगर मैंने पूछा यू मे बी मी आंसर ऑफ टू माइनस रूट 25 माइनस रूट 25 यू विल से ये जितना भी नंबर है. सी इफ वी डोंट हैव एनी साइन देन वी थिंक दैट ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव. इफ देयर इज नो साइन देन वी बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर पॉजिटिव. यहाँ पे रूट 25 था मतलब प्लस का 25 था. रूट 100 था प्लस का 100 था. तो आंसर आपने दे दिया. अब जब नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है. ये नई टर्म है ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बता सकेंगे. तो रूट 25 का आंसर तो जो होता है वो लिखना है. तो 25 का आंसर कितना आया 5. और इसके आगे क्या लगा देना है आई. आई फोर होता है आयोटा. आई का मतलब होता है आयो. This is the meaning of I. तो I क्या होता है. एक्चुअली रूट अवर माइनस वन जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन. ये होता है आई स्मॉल ए. ठीक है. रूट अवर माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है. रूट अवर माइनस वन होता है I. जैसे रूट 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ. रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ कैन बी रिटन एज लाइक माइनस वन इंटू रूट 25. ठीक है. दिस इज सम न्यू मैथ फॉर यू. कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होती है तो माइनस वन इंटू एनीथिंग क्या होता है माइनस होता है. तो माइनस वन रूट इंटू रूट की चीज क्या होती है मल्टीप्लाई होती है. हालांकि अपन रूट में जाएंगे. यस सिंबल ऑफ रूट माइनस वन. तो आई का मतलब हो गया सिंबल. तो इसका मतलब क्या हो गया. माइनस वन को रिप्लेस करेंगे रूट और माइनस को आई से. रूट 25 को रिप्लेस करेंगे किससे 5
तो ये आपका ऑटोमेटिक आंसर कितना हो गया? सही बात समझ में? आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. तो जब आई होता है, आई का मतलब आयोटा भी होता है, इसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आज तक आपने न सुने थे. ये इलेवंथ में है, जनरली इलेवंथ में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो आई होप यू कैन आंसर दिस ऑल्सो. नाउ रूट ओवर माइनस 100 कितना होगा? दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट. कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट. एक रियल पार्ट होगा और एक कौन सा पार्ट होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा. अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये जैसे फाइव जितने भी नंबर आपने आज तक सुने हैं, आपने कभी फाइव आई सुना था? नहीं सुना था. टेन आई सुना था? ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स. पर जितने भी नंबर इसके पहले सुने हैं, आज के पहले, अभी जो आई के पहले, वो सब क्या है? वो सब रियल नंबर है. रूट टू, माइनस आगे लगा हुआ है रूट टू, फिर रूट 10/5, 20/√2, ये सब क्या आते हैं? जितने भी नंबर आपके दिमाग में आते हैं, ये सब कौन से नंबर है? रियल नंबर. सो ऑल नंबर आर आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स. तो आपने जितने भी सुने सब रियल है. कॉम्प्लेक्स नंबर तो केवल यही जो मैंने आपको आज बताया है. जैसे एक नंबर मैंने ले लिया, जनरली यस, ये रूट में ही रहेंगे और ये आई के फॉर्म में ही रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2i+7, ये भी क्या है? ये एक इमेजनरी नंबर है. मतलब इसमें दो पार्ट है, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट और इसको बोलते हैं रियल पार्ट. क्योंकि 7 तो सुनते हैं हम, और आई क्या हो गया? आयोटा वाला, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी. तो इसका इमेजनरी पार्ट होता है आई वाला. तो इमेजनरी पार्ट कितना है? 2. तो रियल पार्ट कितना है? 7. जैसे 5i था, तो 5i का रियल पार्ट कितना है? कुछ भी नहीं है. इतना इमेजनरी तो दिख रहा है, आई के साथ क्या जुड़ा है? 5. तो 5 तो इमेजनरी पार्ट है, पर रियल पार्ट कितना है? प्लस हम लिख सकते हैं 0. पार्ट है 0. नो, वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर. ये दिस इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ 9 पार्ट. This will be solved in 11th. If you are taking math, then you will get to know more about it. I just wanted to explain complex number. No teacher explain complex number, they just skip it. But I wanted to tell you what are complex number. Otherwise, this will be mystery for you. What are complex number? And you will say just, हाँ, कुछ एक number होता है. But क्या होता है? ये complex number है. आई बात समझ में? तो minus root 100 क्या हो गया? Complex हो गया. और answer कितना आया? 10 आया. ध्यान रखें, minus आगे लगा है और रूट 100 ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. क्योंकि रूट क्या अंदर माइनस नहीं है. तो इसका आंसर माइनस का माइनस रहेगा और इसका आंसर कितना होता है? माइनस 10. फर्क समझ में आया दोनों में? रूट के अंदर माइनस घुसा हुआ है. बिल्कुल हाँ. सिमिलरली जैसे माइनस रूट 2, ये भी एक इमेजनरी नंबर है. इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक कर सकते हैं माइनस 1 इंटू रूट 2. किसी भी नंबर को जैसे यहाँ पे ब्रेक किया था ना आपने, ये देखो इसको कैसे ब्रेक किया? रूट 25 को माइनस माइनस 1 रूट में और इंटू 25. तो माइनस 1 को क्या लिखा आपने? आई. और रूट 25 को क्या लिखा? इसी तरीके से माइनस रूट 2 में से माइनस रूट 1 आपने अलग ले लिया और रूट 2 अलग ले लिया. तो माइनस रूट 2 माइनस रूट 1 का कितना हो गया? ये तो आई हो गया. और रूट 2 का कितना रहेगा? रूट 2. तो ये रूट 2 आई भी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसमें इमेजिनरी पार्ट है रूट 2 और रियल नंबर 0. तो बात समझ में आई अनिल? क्लियर? सो जस्ट एक्सरसाइज, फ्यू एक्सरसाइज, यू हैव टू टेल मी द आंसर. रूट ओवर माइनस 100 प्लस रूट ओवर माइनस 25. यू विल गेट आई प्लस आई आई जो बार आई. सो वी कैन एड इट 15 आई. इज देयर एनी रियल पार्ट?
नो, सो वी कैन राइट जीरो बट नॉट मैंडेटरी. जैसे हम प्लस टू को मान लेते हैं कि टू तो प्लस टू ही है तो प्लस नहीं लगाते हैं, जैसे ही अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो जीरो, तो टू प्लस जीरो टू होता है. सिमिलरली 59 प्लस जीरो, तो यहाँ पर रियल पार्ट जीरो हुआ, रिमाइंडरी पार्ट 15 हुआ. यहाँ तक बस आपको समझना था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं. आगे की चीज़ हम इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हुआ, ठीक है. अब फिर से हम आते हैं हमारे नंबर सिस्टम के ऊपर. तो नंबर सिस्टम हम जैसा कि बात कर रहे थे रियल और कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गए. कॉम्प्लेक्स के हमारे रूट ओवर माइनस 25, ठीक है, या फिर क्या हो गया कॉम्प्लेक्स के हमारे, मतलब मैं ठीक से लिख देता हूँ इसके आंसर, डायरेक्ट आई के फॉर्म में लिख दें, या फिर जैसा माइनस रूट 25 हो गया, या फिर कॉमा 2i हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गए. अब रियल पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. रियल का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है. रियल को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है. एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर. आपने ये सुना होगा, अभी आप कर भी चुके होंगे. तो रियल पार्ट फिर से डिवाइड होता है दो भागों में, एक होता है रेशनल और दूसरा क्या होता है इरेशनल. रेशनल नंबर आप यू मे बी ऑलरेडी डिस्कस यूनिवर्सिटी हैड क्लासेस और यू ऑल्सो नो इट. तो रेशनल नंबर का ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आर पी बाय टू, एंड इरेशनल नंबर्स आर दो नंबर दैट कैन नॉट रिटन इन दिस फॉर्म आर पी बाय क्यू. आधे बच्चों से नहीं आती पी बाय क्यू क्या होता है, बट स्टिल इफ यू नो इट वेरी गुड. पी न्यूमरेटर पार्ट होगा और क्यू डिनोमिनेटर पार्ट होगा, ठीक है. तो इस तरीके के नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर. इट मे बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट मे बी नेगेटिव. एज आई टोल्ड यू एट बिगनिंग ऑल नंबर कैन बी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो हम पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर डिसीजन के नहीं जा रहे हैं, है समझ में. अब इसे अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो इसमें हमारे होते हैं रेशनल नंबर में सिर्फ दो चीजें आ जाएगी, एक होता है इंटीजर और फिर दूसरा होता फ्रैक्शनल. हाँ, इंटीजर और फ्रैक्शनल हमारे पास रेशनल नंबर में दो चीजें आ जाएगी, एक होता है इंटीजर और दूसरा आ जाएगा फ्रैक्शन. सो वी हैव टू मोर न्यू टर्म्स, इट इज इंटीजर. नाउ पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, आप इसको समझेंगे तो फिर अपने को क्लियर होगा. पी बाई क्यू फॉर्म एनीथिंग दैट कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू, दैट इज हम रेशनल के ऊपर आते हैं अब, ठीक है. सो विल लुक अबाउट रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न. अच्छा, हर एक नंबर का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. रेशनल नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. अरे बस समझ में, रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. अच्छा, अब जो रेशनल नंबर जो सबसे फॉर्म में हमें पी बाई क्यू फॉर्म में हमें, तो मुझे जैसे आंसर कुछ एग्जाम्पल्स करते होंगे रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर वन, किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में हम वन लगा सकते हैं. तो वो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हाँ नो इरेशनल पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते. इरेशनल वी हैव नॉट कम टू इरेशनल. पी वाई क्यू के फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टू को आप वन तो लगा के पी वाई क्यू बना ही सकते हैं ना. तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको इरेशनल कहेंगे. इरेशनल को पी वाई क्यू के फॉर्म में
कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा अभी, विल आई कम टू दैट पॉइंट, ठीक है। इसीलिए आपको वो चीज़ें जो है, मैंने कहा कि जो मैं चीज़ बताऊंगा वो कुछ अलग होगा, बहुत से आपके बेसिक जो यहाँ पे क्लियर होंगे। तो 2 by 3, 7 by 2, 5 by 9 जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो, ये भी फिर दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेशनल नंबर एक पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, हरी बात समझ में, ठीक है। अब रेशनल नंबर में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये जो मैं डिवीजन बता रहा हूँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हर टीचर अपना अपना खुद डिवीजन करता है, इसका नंबर का कोई डिवीजन नहीं होता है कि इस टाइप से होता है। तो इंटीजर नंबर जो होते हैं वो सब कैसे हो गए, अगर मैं इंटीजर को फर्दर डिवाइड करूँ तो इंटीजर कौन कौन से हो गए, इंटीजर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, फिर क्या आ गया होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर एंड एज आई टोल्ड यू, यू कैन डिवाइड एवरी नंबर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड होल नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, दैट होल नंबर का डिनोटेड बाय ऑल इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू होल नंबर का डिनोटेड बाय डब्ल्यू, ऑल इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड, ऑल नेचुरल नंबर का डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड ऑल होल नंबर का डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, विच नंबर सर, यस आई टेल यू अबाउट इंटीजर्स मोर इन डिटेल हियर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि हम नंबर लाइन पर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कि डिवीजन में 1 होता है केवल, अगर है या नहीं है मतलब कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे हम, जैसे 3 है, हाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, इंटीजर का जैसा कि मैंने बताया हम इंटीजर्स को किस में डिनोट करते हैं, इंटीजर्स में अगर देखा जाए तो दो पार्ट हमने किए हैं, एक है नेचुरल नंबर और एक क्या होता है कारक होते हैं। ये आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो भी काउंटेबल नंबर होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो नेचुरल नंबर पर अगर पॉजिटिव एंड दे आर फ्रॉम 1, द नंबर्स आर लाइक व्हाट आर द एग्जांपल 1, 2, 3, 4 up to इन्फिनिटी का सिंबल होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि वो आखिरी तक जाएगा, इन्फिनिटी के 2 से 3 मीनिंग होते हैं, ये हम आगे टेंथ में भी पढ़ेंगे, पर अभी आप इतना समझ लें कि 1, 2, 3, 4 का जहाँ तक आप सोच सकते हो आपकी सीमा जाती है, बट पॉजिटिव होना चाहिए, हो सकते हैं। नेचुरल नंबर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर में तो वो हो जाता है होल नंबर। तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, 0 + 5, ठीक है, ओके होल नंबर हो गया, इट इज 0 + 5 नेचुरल नंबर।